यहाँ सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे हृदय में वैसे नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की कहानी है मेजर शैतान सिंह भाटी की, जो कि एक इंडियन ऑफिसर थे। उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के बनारस गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता भी एक आर्मी मैन थे और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस की तरफ से लड़ाई की थी। 1962 में हुए चाइना इंडिया वॉर में मेजर का बहुत बड़ा योगदान रहा और इसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, 1962 जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने चाइना से मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाई और युद्ध के लिए कई टीम बनाई गई और ऐसी एक टीम का नेतृत्व मेजर सिंह कर रहे थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत मजबूत बनाया था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था कि आज हम लौटेंगे तो केवल चाइना को हराकर। वो 16,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी टीम की कमान संभाल रहे थे। लड़ाई के दौरान मेजर अपनी टीम का मनोबल बढ़ा रहे थे और वो लगातार एक पट से दूसरे पट तक रक्षा को पुनर्गठित करते रहे। जैसे ही वो एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाने लगे, चीनी सेना ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सिंह ने खतरे को भांपते हुए सैनिकों को वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन खुद वहां से हिले भी नहीं और उनके पैरों में गोली लग गई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आदम्य साहस का परिचय देते हुए हार नहीं मानी और दुश्मनों पे गोली चलाते रहे, लेकिन अंत में उनकी बाहों में और पेट में गोली लग गई और उनकी जान चली गई। रेजांगला की लड़ाई के लिए 18 नवंबर 1962 को सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इस तरह भारत ने अपने एक और वीर सिपाही को खो दिया। दोस्तों, एक सैनिक कभी भी व्यर्थ नहीं मरता, क्योंकि उनके जीवन की तरह उनकी मृत्यु भी सामान्य नहीं होती है। हर सैनिक जानता है कि उनके नाम की गोली हो सकती है और वो इसे अपने देश के लिए लेने में गर्व महसूस करते हैं। ये शहीद हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। हम उन सभी सैनिकों के आभारी हैं जो हमारे लिए और हमारी आजादी के लिए लड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही एक सैनिक की कहानी लेकर आ रहे हैं अब्बास मस्तान अपनी अगली फिल्म सोल्जर 2 में। आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जाते जाते मैं अंजलि आप लोगों को एक गुड न्यूज तो दे दूं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर यहाँ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। नमस्कार।